हेलो एवरीवन, अब जो है हम लोग की ये एक्सरसाइज है 3.2 की, जो भी एक कंसेप्ट आपको बताया उसके उसी के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। और कुछ है नहीं, सब चीज़ है, ठीक है। आप एक बार इसको देखोगे और एक बार याद रखे रहो अपने मैथ्स अगर आपको सीखनी है, ठीक है, तो अपने जो दिमाग है ना, तो माइंड है उसको खोल के रखो पूरी तरीके से, चारों तरफ से अवेयर रहोगे। और मैथ्स आपको यही चीज़ सिखाती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको आप प्रॉब्लम लेकर आ सकते, ठीक है। उसको आप एक तरीके से सोचो कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम प्रूव कर सकें, ठीक है। और हर बार ये हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग अपने को एक प्रूव करते हैं कि हाँ ये जो है मेरे लिए जो है, ये जो क्वेश्चन था मेरे लिए पहले डिफिकल्ट था, अब मैंने इसको जीत लिया, ठीक है। ये हर क्वेश्चन हमको दिखाता है, तो आप एज अ विनर अपने को प्रोसीड किया आगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप बुक को देखा करो, ध्यान से सारी बुक जो भी है आपको उसको पढ़ो, और कोशिश करो कि एक दो अपनी भी बुक पढ़ो, उसके साथ साथ दूसरी बुक पढ़ा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन ये जो है, इफ cos x इक्वल टू -3/5 दिया हुआ है, x लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनकी वैल्यू निकालनी, कहां पर निकालनी है, हमको निकालनी है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का आपको याद होगा, हमने सर ने बताया था कि जो है, जल्दी से आओ यहां पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, क्यों है याद नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ये जो क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, यहां हमने बताया था ऑल शुड टेक कॉपी, तो ऑल शुड टेक कॉपी है, तो मतलब टैन ही यहां पे पॉजिटिव था और कॉट ही पॉजिटिव था, इसी वजह से यहां पे जो cos लिखा हुआ है, cos x दिख रहा है ना, ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और यहां पे जितनी भी वैल्यूज हमारी है, ठीक है, वही हमको निकालनी है, क्लियर है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ tan और cot आपका पॉजिटिव था, क्या बोले हम, हाँ tan और cot, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद cos x की बात करेंगे, तो cos x यहाँ पर देखिए हमको एक फॉर्मूला याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा वर्ग होता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो cos की, फिर उसको निकाल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, चलिए जल्दी से करते हैं। हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा हमने, उसको उधर लेके चले गए, ठीक है, 1 माइनस हमने cos स्क्वायर थीटा कर लिया। अब उसके बाद 1 माइनस cos थीटा की जगह पे हमने क्या किया, -3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था बेटा, उस वजह से हमने इसको स्क्वायर में कर लिया, क्लियर है। चलिए अब जल्दी से इसको रखते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 - 9/25 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या करिए, यहाँ पर ले लीजिए, सॉल्व करिए, 25 माइनस का आपको देगा 9, तो यहाँ कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करिएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना बनेगा हमारा, भैया आपका साइन स्क्वायर थीटा चलता चला आ रहा है, ठीक है, इसको ना भूलिएगा, ठीक है, इसको भूल गए आप, साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया आपका 16/25, ठीक है। अब 16/25 बन गया, अब ये स्क्वायर है तो ये उधर जाएगा, तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट हो जाता है, नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए जल्दी से इस पे लेते हैं, साइन थीटा रूट में आपका हो जाएगा 16/25, तो अब बताइए इसका क्या बनता है, हाँ भाई एग्जैक्टली 4/5, ठीक है। अब 4/5 है, बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ही एक गलती होती है, वो उसको देखते नहीं, वो क्या करते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं 4/5, है ना, जो कि पॉजिटिव वैल्यू ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो रूट जब भी हमारा आपका एग्जीक्यूट होता है या सॉल्व होता है, तब वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइन मिलता है, क्लियर है बात, याद रख रहे आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन, तो यहाँ पे दो वैल्यूज होती है। अब ये दो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हमको लेनी है, अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि आपका पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ क्या रहा था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे, हमारा पूछ रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, साइन आपका निगेटिव होता है कि नहीं होता, हमने अभी बताया कि यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो मतलब साइन और
गूगल जो होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, हाँ कोसाइन थीटा, एग्जैक्टली। तो साइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल वो भी आपका निगेटिव होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि साइन भी हमारा आपका निगेटिव होगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या देंगे, साइन थीटा जो हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस फोर बाय फाइव, साइन थीटा माइनस फोर बाय फाइव हो गया। अब इसी तरीके से आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, इसी का तो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसको क्या करना है आपको, स्विच कर देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर, ठीक है, स्विच कर देना इसको, ठीक है। तो ये आपका माइनस के साथ फोर फाइव बाय फोर आपका हो जाएगा, विजिबल है आई थिंक, ठीक है। चलिए अब साइन हो गया, कोसेक हो गया, अब इसी तरीके से यहाँ से देखिए आपका कॉस था, कॉस एक्स था माइनस थ्री बाई फाइव था, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक एक्स, देखिए कॉस एक्स था माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा इसका। अच्छा एक चीज और देखिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स ही लेंगे, ठीक है, हर जगह पे एक्स लेंगे, जो चीज दिया होगा उसको वही रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स, ठीक है, और ये सारी चीज आपकी एक्स चलती चली जाएगी, जैसा जो एंगल दिया हुआ है उसको रखना है, ठीक है, ये सारे आपकी एक्स रहेंगे, ठीक है। चलो ये cos x हो गया माइनस थ्री बाय फाइव, और ये sec x हो गया आपका इसी का जस्ट उल्टा, जो कि हो जाएगा माइनस का फाइव बाय थ्री। अब बात आती है आपकी tan और cot की, बात आती है, दो ही बचे, दो ये हो गए और दो ये हो गए, ये दोनों, ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपका क्या है, cos x से sec x निकल आया, आपका sin निकल आया, cos x निकल आया, अब आपको क्या करना है, अब आपको tan और cot की बात करनी है, तो आप यहां पे लिखिएगा v नो डैट, v नो डैट हमारा tan theta जो होता है, tan x जो होता है वो हमारा क्या होता है, sin x अपॉन में cos x होता है, ठीक है, sin x अपॉन में cos x होता है। तो अब यहां पे sin x की वैल्यू रखिए और cos x की वैल्यू रखिए, बाकी आपको पूरा प्रॉपरली करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।